our Education is a Passion channel. Today, in this lecture, we have cleared all the topics of Chapter 12, Electricity, Class 10, Science. So, let's start our chapter. Our chapter name, Electricity. Electricity. Electricity means flow of charges. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है. फर्स्ट टॉपिक है इसका फ्लो थ्रू कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करता है कंडक्टर में. स्पेशली कंडक्टर मेटल्स होते हैं, मींस जिनका वैलेंसी 1, 2, 3 होता है और चार्ज जो होता है +1, +2, +3 चार्ज होते हैं मेटल्स के. मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर, जो कि फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स कंडक्टर में वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, उसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे. अब सेकेंड पॉइंट है डजंट फ्लो थ्रू इंसुलेटर. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता है. थर्ड इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से सिंबल डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर. एम्पियर जो होता है वो होता है 1 कूलम पर सेकेंड. अब कूलम जो है वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर निकल के आता है आई. आई मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज जैसे पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. उसी तरह चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट होता है कूलम. इसको भी हम लोग आगे समझेंगे. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग देखिए SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, जो कि 1 कूलम पर सेकेंड होता है. अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं मेजर्ड बाय एमीमीटर. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को लोग मेजर करते हैं एमीमीटर नाम के डिवाइस में, जिसको एमीमीटर जो है उसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. एमीमीटर जो है उसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन में, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पता चले. 1 कूलम जो होता है, जो चार्ज है वो कूलम में, 1 कूलम चार्ज होता है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन. एक कूलम में 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है. अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट का डायरेक्शन कैसा होता है. कन्वेंशनल पहले हम लोग देखते हैं कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. कन्वेंशनली हम लोग मानते हैं कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है. एक्चुअल डायरेक्शन जो करंट का है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. मीन्स चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है. लेकिन हम लोग कन्वेंशनली जैसे पुराने थ्योरीज मिला था, हम लोग पुराने थ्योरीज में पढ़ते आए हैं शुरू से कि कोई भी चीज़ गर्म जो है वो गर्म से ठंडा की ओर फ्लो करता है, कहीं पानी कम ज़्यादा से पानी कम की ओर फ्लो करता है. उसी सिद्धांत के दौरान ये सिद्धांत हम लोग लिया गया था थ्योरी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनली डायरेक्शन जो रखे थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रखे थे. इसलिए हम लोग अभी भी कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर के चलते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन लेकर के नहीं चलते हैं. अब हम लोग देखते हैं कन्वेंशनली पाथ ऑफ करंट. मीन्स करंट जो है कंटिन्यूसली पाथ करता रहे, मीन्स कहीं रुके नहीं. मीन्स जैसे बल्ब जलता है तो वहाँ करंट जो है कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, वो पाथ्स होता रहता है. जैसे कि क्लोज सर्किट, मीन्स जब स्विच ऑन है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये जो है यहाँ पे सेल है, बैटरी सेल, सेल का ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन है. स्पेशली एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव. करंट जो है नेगेटिव के साइड से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग ले करके चलते हैं. इसलिए करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है. यहाँ पे बल्ब है, ये जो है बल्ब है, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है. ये बल्ब में आने के बाद करंट पास होते, बल्ब से पास होते होने के बाद करंट सीधा पास करता है. और यहाँ पे स्विच है, जैसे बल्ब का स्विच होता है ना घर में, वैसे स्विच है यहाँ पे. जो स्विच क्लोज मीन्स स्विच ऑन है,
स्विच ऑन है तो करंट यहां से निकल के पूरा फ्लो करके माइनस की ओर आ रहा है, इसलिए क्लोज सर्किट है। अब देखते हैं करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, मीन्स यहां पर होगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जो होता है यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है सर्किट में, जैसे यहाँ यहाँ पे करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव पर है, पॉजिटिव से यहाँ करंट पास हुआ, बल्ब से पास होने के बाद यहाँ पे स्विच ऑफ है, मीन्स यहाँ पे स्विच ऑफ है तो करंट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जिससे ये करंट का करंट कंटिन्यूसली मोशन में नहीं होगा इस सर्किट में, तो ये हो गया ओपन सर्किट। अब देखते हैं सिंबल जो कि हम लोग यहाँ यूज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल यूज किए हैं, ये सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस और सेल, ये हमारा बैटरी है, बैटरी को हम लोग इस ऐसे डिनोट किए हैं इस सिंबल में ड्राई सेल, ये वायर है, ये जो था ये वायर है और ये बल्ब है, जो हम लोग यहाँ पे बल्ब बनाए हैं ये बल्ब हम लोग ऐसे डिनोट किए हैं, और ये स्विच है, ये ओपन स्विच है मीन्स यहाँ ये क्लोज स्विच है मीन्स यहाँ स्विच ऑन है, यहाँ ओपन स्विच है मीन्स स्विच ऑफ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं हाउ चार्ज कैन फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर में, मीन्स ये कंडक्टर है मीन्स कोई मेटल का वायर है, सपोज दैट दिस इज एन वायर, दिस इज एन वायर, इसमें इसके एटम्स हैं, कोई जिस एलिमेंट्स का वायर है उस एलिमेंट का यहाँ पे एटम्स हैं, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स हैं, सबसे यहाँ पे बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं चार्ज को। अब देखते हैं कैसे यहाँ पे वो हम लोग समझते हैं, कोई भी मेटल एटम का साइज लार्जर मीन्स बड़ा होता है नॉन मेटल के तुलना में, नॉन मेटल्स के तुलना में मेटल्स का जो है एटॉमिक साइज बड़ा होता है, मीन्स सपोज दैट ये एल्युमिनियम का एटम है, ये एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस है ये एल्युमिनियम एटम है, मीन्स सपोज दैट दिस इज एल्युमिनियम वायर, यहाँ पे हर एक एटम है, ये भी एक एटम है एल्युमिनियम का, ये भी सब एटम्स हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सेकंड ऑर्बिट में जैसे हम लोग इसको निकाले थे मैजिक नंबर से 2, 8, इसको हम लोग निकालते हैं 2n² के, इसे हम लोग निकालते हैं 2n² के रूप में, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट तो n का वैल्यू हो गया 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू मान लीजिए हम लोग 2 लेते हैं, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर मान लीजिए हम लोग सेकंड लेते हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट का यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, इसी तरह हम लोग निकालते हैं ऑर्बिट, स्पेशली 20 तक ही कैरी करता है, उसके बाद का स्पेशली क्लियर नहीं निकलता है, फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट अब देखते हैं हम लोग सेकंड ऑर्बिट में कितना होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स स्पेशली फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहेंगे, मीन्स इसका एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इसका जो लास्ट इसी एल्युमिनियम में जैसे ये लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका साइज बड़ा है, ये मेटल से बोलते इसका साइज बड़ा है एटॉमिक साइज, तो न्यूक्लियस जो है अपना फोर्स जो है एक फोर्स से सब अपने ऑर्बिट को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, एक लास्ट ऑर्बिट थोड़ा बड़ा एटम होने के कारण एटॉमिक साइज का बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस पूरी तरह से सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और कुछ कुछ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे रिलीज होकर के वायर में ही एग्जिस्ट करने लगते हैं, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने लगते हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन वही फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस वायर में फ्लो करवाएंगे। ये हम
मैं आशा करता हूँ आपको अभी तक का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी समझे, इलेक्ट्रिक करंट और उसका सर्किट समझे, और कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर में। करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।